हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट। चलिए तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पिछले क्लास में हमने क्या कर लिया। क्लियर एवरीवन? अलर्ट। पिछले क्लास में हमने क्या देखा कि कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी आने के बाद समाप्त हो गए, खत्म हो गए, कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में जोड़ दिया गया और कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी में नहीं जोड़ा गया, ये भी जानना है। जब जोड़ा गया इस बात पर फोकस करते हैं तो आता है दो बातों को याद रखना पड़ता है। पहला तो कौन कौन से ऐसे स्टेट टैक्स थे जिसे जीएसटी में जोड़ा गया, कौन कौन से ऐसे सेंट्रल टैक्सेस थे जो जीएसटी आने के बाद खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ये बात हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास में। क्लियर है? और मैंने ये भी बताया था कि एक्सपोर्ट पर जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है, कौन बताएगा? एक्सपोर्ट पर जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है, कुछ एक्सेप्शनल कमोडिटीज पर लगते हैं। क्लियर हो गया? अब आज मेनली हमें क्या देखना है वो समझ, सारे के सारे डिसीजंस, आप बताओ सारे के सारे डिसीजंस आपके घर में कोई ना कोई इंसान तो करता होगा, कोई ना कोई गार्जियन को करते होंगे। अकॉर्डिंगली जीएसटी से रिलेटेड जब बात आती है तो जीएसटी से रिलेटेड डिसीजंस लेता कौन है? जीएसटी काउंसिल। क्या होता है जीएसटी काउंसिल और क्या क्या काम है जीएसटी काउंसिल का, इन सभी बातों को हमें आज के क्लास में क्लियर करना है। लेकिन उससे पहले हम एक चीज देखेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी में इंक्लूड नहीं किए गए, ठीक है ना? वी विल स्टडी एट फर्स्ट अबाउट दैट टाइप ऑफ टैक्सेस और दैट टैक्सेस व्हिच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द जीएसटी। क्लियर है? जीएसटी आने का कोई इफेक्ट उन पर नहीं पड़ा। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले देखिए पहले हम लोग देखेंगे स्टेट के बारे में। स्टेट टैक्सेस नॉट सबसम्ड इनटू जीएसटी, पहला ए नंबर में स्टेट, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अब बताओ स्टेट एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड हुआ क्या? ये अभी भी अलर्ट, हाँ, किस चीज पर अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रहा है? अल्कोहलिक लीकर पर। याद कीजिए मैंने आपको बताया था अल्कोहलिक लीकर ऐसे चीज होते हैं, ऐसे मतलब गुड्स हैं, गुड्स में आया था कि अल्कोहलिक लीकर पर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए एप्लीकेबल है, उस पर टैक्स, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस पर टैक्स जीएसटी आने से पहले स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था और वो आज भी एक्टिव है, मतलब अल्कोहलिक लीकर और ह्यूमन कंजम्पशन पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी आज भी पहले की तरह ही, यानी जीएसटी नहीं लग रहा है। सोचिएगा कि अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर कोई टैक्स ही नहीं लग रहा, उस पर लग रहा है एक्साइज ड्यूटी, वैट। ये दोनों किस पर एक्टिव हैं? किस पर एक्टिव हैं? अल्कोहलिक लीकर पर। कोई दिक्कत? इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा है स्टैंप ड्यूटी। आप पढ़ते होंगे स्टैंप ड्यूटी अभी भी एक्टिव है, स्टैंप ड्यूटी अभी भी खत्म नहीं हुआ है, स्टैंप ड्यूटी को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि याद कीजिए स्टैंप ड्यूटी के बारे में मैंने पहले के क्लासेस में क्लियर किया है कि ये किस पर लगेगा, नॉन मूवेबल ये जो एसेट्स हैं। जैसे आपको याद होगा जीएसटी लिस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मूवेबल गुड्स है, गुड्स तो है ही नहीं, गुड्स में इमूवेबल ऑब्जेक्ट को गुड्स नहीं माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था लैंड और बिल्डिंग, हाँ या ना? तो लैंड एंड बिल्डिंग पर जीएसटी तो लगता नहीं है, क्या लगेगा? कोई ना कोई टैक्स तो एप्लीकेबल होगा ना, कौन सा टैक्स?
स्टैंप ड्यूटी। क्लियर है? जब भी आप जमीन खरीदिएगा रजिस्ट्री करवाइएगा, स्टैंप पेपर पे आप रजिस्ट्री करवाइएगा, वहां पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? स्टैंप ड्यूटी। फ्लैट खरीद रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग खरीद रहे हैं हम लोग, वहां कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा? स्टैंप ड्यूटी। क्लियर है? समझ में आ पा रहा है? आगे बढ़ते हैं। जिस पर अभी भी स्टैंप ड्यूटी पर, स्टैंप ड्यूटी इंक्लूड नहीं हुआ जीएसटी में। दूसरा आता है प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स क्या होता है? प्रोफेशन टैक्स बताओ, आप लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आपको पता है सीए के इनकम पर, या सीए जो एक्सपेंस करते हैं, सीए, सीएफए, सीएस और जितने प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज पर, प्रोफेशनल पर्सन पर अभी भी जीएसटी तो एप्लीकेबल है जो गुड्स का है, लेकिन उनके काम से रिलेटेड, उनके फर्म से रिलेटेड जो भी इनकम एक्सपेंस होगा उस पर जीएसटी ना एप्लीकेबल होकर कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होता है? प्रोफेशन, प्रोफेशन टैक्स है। यहां पर देखिए प्रोफेशन टैक्स थर्ड नंबर दिख रहा है। देन आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि मिसलेनियस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जिसमें याद कीजिए जब मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो मोटर व्हीकल टैक्स जो है मैंने आपको बताया था, हाँ या ना, जो जीएसटी नहीं है, जीएसटी के अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में मोटर व्हीकल टैक्स आया था। मैंने आपको बताया था कि जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो उस पर मोटर व्हीकल टैक्स लगता है, आरटीओ लगता है, रोड टैक्स लगता है, टोल टैक्स लगता है। आरटीओ रोड टैक्स हो गया, टोल टैक्स आप लोग देते हो कि नहीं जब आप लोग ये स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कुछ भी आप स्ट्रीट से जा रहे हो, एनएच से जा रहे हो, एनएच के कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया के बाद आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। आप एरिया चेंज कर रहे हो वहां आपको रोड टैक्स देना है, टोल टैक्स देना है, हाँ या ना, पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स है आरटीओ, और उसके बाद यहां पर देखिए मोटर व्हीकल टैक्स है। मोटर व्हीकल टैक्स है जो जीएसटी में सबसम नहीं हुआ, जीएसटी में ये नहीं जुड़ा। क्लियर है? क्लियर है तो बोलिए। फिर आपको मैंने ये भी बताया था इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी किस पर चार्ज किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। आपको मैंने पहले की क्लासेस में ही बताया है कि आप जाइएगा घर और देखिएगा जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आप देखिएगा वहां पर इलेक्ट्रिक ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एप्लीकेबल होता है, चार्जेबल होता है, चार्ज्ड होता है, हाँ या ना? आगे बढ़े हम लोग। तो कहने का मतलब है कि ये स्टेट लेवल पे है और इसको इंक्लूड जीएसटी में किया गया, नहीं किया गया, नहीं किया गया। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग कुछ सेंट्रल टैक्सेस, कुछ ऐसे सेंट्रल टैक्सेस जिसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस नाम जानना है कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिसको जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया है, कौन कौन से ऐसे स्टेट टैक्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेंट्रल टैक्स। क्लियर? आते हैं हम लोग स्क्रीन पर। देखिए बेसिक कस्टम ड्यूटी आपको मैंने बताया था बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी एप्लीकेबल है। समझ में आ रहा है? जब आप गुड्स को इंपोर्ट कीजिएगा तो कौन सा टैक्स लगता है? कस्टम ड्यूटी लगता है, अभी भी एक्टिव है। उस पर जीएसटी तो लगेगा ही उस तरह के गुड्स पर, लेकिन कस्टम ड्यूटी भी एप्लीकेबल, वो भी चार्ज होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है। आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस किस पर लगता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस किस पर लगता है? जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसी टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को, जब किसी टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, रिसर्च एंड क्या लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस लगता है इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पर। क्लियर है?
एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पर लगता है? एक्सपोर्ट ड्यूटी जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ पर्टिकुलर टाइप के गुड्स भेजते हैं ना, एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होता है। लेदर, मैंने आपको बताया था, लेदर, स्किन, और क्या है, मैंने आपको कहा था बीच का एक जो मोटा चमड़ी होता है ना उसको क्या कहते हैं, पता करके आने, आपको पता करके आए हो क्या? हाइड्स, HIDES, हाइड्स, हाइड्स और स्किन में अंतर। दोनों में अंतर है, ठीक है? स्किन जो होता है ना हाइड्स के कंपैरिजन में पतला होता है। अभी जैसे आप मान लेते हैं कि हाथी का डेथ हो गया, तो हाथी के स्किन को भी बेचा जाता है। हाथी के स्किन को क्या कहेंगे? वो मोटा होता है ना, हाथी का चमड़ा बहुत मोटा होता है कि नहीं होता है, उस तरह के चमड़े को कहते हैं हाइड्स। जो पतली होती है उसे स्किन कहते हैं, और इन दोनों पर प्रोसेस करके क्या बना दिया जाता है? लेदर। एक्सपोर्ट ड्यूटी, अरे एक बात समझिए, मान लेते हैं कि जंगल में कोई हाथी का निधन हो गया, डेथ हो गया, मर गया वो। हाँ, स्मगलिंग अलग चीज है, और अगर वो हाथी मर गया तो हाथी के दांत तो बिकते ही हैं, लेकिन हाथी अगर मर जाए, बूढ़ा होके मर गया, तो उसके दांत को बेचना जायज है, लाजमी बेचेगा ही लोग, पैसा है उसे ना, बेचेंगे। लेकिन अगर आप उस हाथी के दांत के लिए उसे मार देते, ये इलीगल। समझ में आ गया? तो इन सभी चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं तो इस पर लगाया जाता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। आगे बढ़े हम लोग, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर आप देखिए सेफगार्ड ड्यूटी, ये क्या है? सब अलग अलग तरह के टैक्स हैं जिसे अभी भी इंक्लूड नहीं किया जीएसटी में। क्यों? क्योंकि अगर जीएसटी में इंक्लूड कर देंगे तो सामान जो भेजेगा एक्सपोर्टर दूसरे कंट्री, जो हमारे कंट्री में सामान बेचेंगे, वो सस्ते हो जाएंगे, और हमारे कंट्री में जो बिजनेसमैन एक्टिव हैं उनके गुड्स तो ऑटोमेटिकली महंगे होते हैं, तो उनका बिजनेस क्या हो जाएगा? मर जाएगा, उनका बिजनेस तो बर्बाद हो जाएगा। हाँ या ना? जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग आजाद नहीं हुए थे, बिफोर फ्रीडम, बिफोर 1947, अंग्रेजों ने कैसे हमारे बिजनेस को बर्बाद किया था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये बोला गया था कि तुम्हें, वी ऑल इंडियंस will have to purchase the goods imported by the Britishers, England. England से जो सामान हम लोग खरीदते थे ना उसी को यूज करते थे। बोलिए सर, हम लोग तो इंडियन थे, हम लोग इंडियन सामान को खरीद सकते थे, इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते थे, क्यों नहीं खरीदते थे? क्योंकि आप बताइए, आपको कोई सामान 100 रुपये में मिल रहा है और वही सामान आपको कोई इंसान 50 रुपये में प्रोवाइड कर रहा है, आप कौन सा खरीदोगे? क्योंकि वहां पर लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी तो वीक था, लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन भी तो वीक था, तो वैसे कंडीशन में लोग 50 वाला सामान खरीदते थे, चाह के भी 100 का सामान नहीं खरीद पाते थे। तो इससे क्या हो गया? धीरे 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 वो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट से एक्सटेंड कर गया। हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो वही चीज ऐसा ना हो जाए तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा, रुको रुको, बहुत सामान भेज रहे हो ना हमारे कंट्री में, तो हम एक एक चार्ज लगा देते हैं आपके ऊपर, एक टैक्स लगा देते हैं, एंटी डंपिंग। चाइना क्या करता है ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा सामान प्रोड्यूस कर लिया, या कोई भी ऐसा डेवलप्ड कंट्री जिसके पास अच्छे टेक्नोलॉजी, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, करने में सक्षम होगा। हाँ या ना? अब मान लेते हैं कि आपके पास एक मशीन,
एक मशीन को आप कितना चलाइएगा, वो ओवर यूज होगा तो मशीन खराब हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी मशीन भी नहीं। तो अगर हैवी मशीन उनके पास है और उनके पास जो हैवी मशीन है वो काफी कैपेसिटी रखा हुआ है, बहुत प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो कोशिश करेगा कि हम सामान का क्या करें, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा दूसरे कंट्री का करेंसी हमारे कंट्री में आ जाए। तो इस टाइम में क्या करना है, जैसे मैं इंडिया हूं और इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बोलेगी कि नहीं रुको, बहुत ज्यादा सामान भेज रहे हो ना, तो हमारे कंट्री के बिजनेसमैन तो चले जाएंगे, उनका तो हालत खराब हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए सामान को एक्सपोर्ट, जो इंपोर्ट हम लोग कर रहे हैं उस सामान को महंगा करना पड़ता है। तो महंगा करेंगे कैसे, यही टैक्सेस लगा देते हैं, लगा देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, तो जो ज्यादा बेकार मतलब का बिना मतलब का सामान हमारे कंट्री में आ रहा है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते, हम लोग मना नहीं कर सकते। तो हम लोग एक काम तो कर सकते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी डाल देंगे, टैक्स लगा देंगे, सामान को महंगा कर देंगे, सामान जहां ज्यादा महंगा हुआ, जहां ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा, दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री में सामान भेजना कम कर देंगे, बंद तो नहीं करेंगे, कम कर देंगे। क्लियर है? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी यही, इंपोर्ट करते समय हम लोग सामान को महंगा करने के लिए लगा देते हैं। दूसरा है सेफगार्ड ड्यूटी। सेफगार्ड ड्यूटी जो है ना, हमारे कंट्री के छोटे छोटे बिजनेसमैन को बचाने के लिए, अगर सस्ते दर पे कोई सामान भेज रहा है और उससे हमारे कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय में हमारे कंट्री के प्राइस के अकॉर्डिंग उनके प्राइस को मैच करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, सस्ते पे, अभी वही चीज हुआ, मैंने अभी वही समझाया, ब्रिटिशर्स का एग्जांपल देखें कि अगर सस्ते दर पे सामान मिल रहा है, ऑब्वियसली लोग सस्ते दर वाला सामान खरीद लेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि वो चाइनीज है कि वो इंडियन, वो किस कंट्री से आया नहीं देखेंगे लोग। हाँ है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो स्टेट लेवल के थे और अभी भी हैं, चालू हैं, चल रहे हैं, जीवित हैं और जीएसटी में मर्ज नहीं। कुछ टैक्सेस सेंट्रल लेवल पे ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं और उसे जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया, सबसम नहीं किया गया। क्लियर हो पाया यहां तक, समझ में आ पाया, हाँ या ना? गुड, आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए, देखिए अमेंडमेंट्स इन सेवेंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब याद करो आप लोग, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 246, हाँ या ना? आर्टिकल 246, और उसमें मैंने आपको बताया था कितने लिस्ट, तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, हाँ या ना? अब यूनियन लिस्ट में जो टैक्स पर रूल्स रेगुलेशंस चल रहा था, कौन कलेक्ट करेगा, कौन कलेक्ट नहीं करेगा, कौन कौन से आइटम्स आएंगे, मैंने ये चीज कहा था कि आपको रिवाइज करना है। अब जीएसटी आने पर उसमें चेंजेस आए होंगे, हाँ या ना? जो ऑलरेडी उस समय चल रहा होगा प्री रिजिम जीएसटी के टाइम में, जीएसटी आने से पहले जो भी उस पर गुड्स और सर्विस टैक्स जो आया, उसके पहले जो टैक्सेस जिन जिन चीजों पर एप्लीकेबल था, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ होगा, उसमें चेंजेस आए होंगे। और जब किसी भी चीज में चेंज आता है तो आपको पता है कि आर्टिकल्स में क्या करने होते हैं, अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं। तो यहां पर 7th शेड्यूल ऑफ 246 आर्टिकल में क्या करना पड़ा होगा, अमेंडमेंट करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी आ गया और बहुत सारे टैक्सेस मर्ज हो गए, सीन तो बदल गया ना टैक्स का, हाँ या ना? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर वही देखना है कितने लिस्ट थे, तीन लिस्ट, कौन कौन से तीन लिस्ट, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। लिस्ट वन जो था वो क्लियर करता था यूनियन लिस्ट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ऑथराइज्ड थी कि वो टैक्स कलेक्ट करेगी, हाँ या ना। यूनियन लिस्ट में जितने भी टैक्सेस के नाम थे, जितने भी टैक्सेस थे मेंशन, उसे कौन कलेक्ट करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। स्टेट लिस्ट को कलेक्ट करता था स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट था जिसमें ये मेंशन्ड था कि कौन कौन से टैक्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएंगे और कौन कौन से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे। कुछ कॉमन ऐसे टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी, उसमें ये मेंशन्ड था कि कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और कौन कौन से टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। ये चीज किसमें मेंशन था, थर्ड लिस्ट, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। अमेंडमेंट्स हुए, और अमेंडमेंट्स हुए तो पहला जो यूनियन लिस्ट था उसमें क्या बदलाव आया, ये चीज हम लोगों को पढ़ना है। देखिए एंट्री नंबर 84, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो था उसमें क्या चेंज आए, जीएसटी आने के बाद, जीएसटी आने के बाद क्या चेंजेस आए वो समझिएगा। सबसे पहले देखिए, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, नेमली पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, याद होगा मैंने आपको बताया था कौन कौन से चीज, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, हाई स्पीड डीजल था और मोटर स्पिरिट क्या था, पेट्रोल, क्रूड ऑयल से ही ये दोनों निकला था, नेचुरल गैसेस और एटीएफ, एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन्स को उड़ाने के हेल्प में मतलब काम में आता है। और उसके बाद जो है ना, टोबैको, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जो है उस पर भी क्या लिया जा रहा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी एक्टिव है। तो बोलिए सर, आपने तो कहा था कि टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। सर आपको पता है टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगता है, जीएसटी कंपनसेस लगता है, और इसके साथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, तीनों टैक्स एक्टिव। इसीलिए टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, महंगे होते हैं। समझ में आ रहा है, जो चीज पहले एक रुपया में मिलता था, मैंने आपको शिखर का एग्जांपल दिया था ना, शिखर पहले एक रुपया में मिलता था, अब 5 रुपया में मिलते हैं, ये मुझे किसी बच्चे ने बताया है। अब बताइए 5 गुना ज्यादा महंगा हो गया कि नहीं, 5 गुना ज्यादा महंगा हो गया, क्लियर हो पा रहा है। लेकिन जो खाने वाले हैं वो तो खाएंगे और सड़कों को लाल कर देंगे, है कि नहीं। हाल होगा बेहाल अगर सड़कों को करोगे लाल। चल ये तो हो गया एंट्री नंबर 84 की बात, अब एंट्री नंबर 97 पहले देखेंगे। एंट्री नंबर 97 में क्या लिखा हुआ था, अब देखिए ना वहां पर लिखा है रेसिडोरी, रेसिडोरी व्हाट डज इट मीन, इसमें वो सारे टैक्सेस थे जो लास्ट में बच जाता है ना, मिसलेनियस जिसे हम लोग कहते हैं, लास्ट में जो बचा खुचा छोटा मोटा टैक्स है उसे एंट्री नंबर 97 में डाल दिया गया था, और उसमें सर्विस टैक्स के बारे में बात किया गया था। सर्विस टैक्स को भी मिसलेनियस टैक्स माना जाता था, रेसिडुअरी टैक्स माना जाता था पहले। आपको पता है कि जीएसटी आने से पहले और एलपीजी आने से पहले, पहले के टाइम में हमारे कंट्री के लोग ज्यादातर डिपेंडेंट थे किस पर,
एग्रीकल्चरल सेक्टर पर, प्राइमरी सेक्टर पर, सेकेंडरी सेक्टर पर धीरे धीरे आ पाए थे, और टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है उस पर तो लोग ध्यान देता ही नहीं था। लेकिन एक समय आया, इसीलिए उसे बोला जाता है ये तो बच्चा वाला टैक्स है, छोड़ो ना सर्विस टैक्स जो है ना 97 एंट्री नंबर 97 में सर्विस टैक्स डाला हुआ था उसको बच्चा मान के लोग रेसिडुअरी में डाल दिया था, मिसलिनियस टैक्स है, छोटा मोटा टैक्स है, आ जाएगा ये माना जाता। लेकिन आपको पता है कि सर्विस सेक्टर जो है ना टर्शियरी सेक्टर कितने तेजी से डेवलप किया, हाँ या ना, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप किया, और उस पर जो टैक्सेस थे, अमाउंट ऑफ टैक्स जो था, अब चूंकि सेक्टर बड़ा हो गया तो टैक्स का अमाउंट भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब टैक्स का अमाउंट बहुत बड़ा हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये कहा गया कि अब तो इस पर विशेष फोकस करना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना होगा, इससे रिलेटेड एक नया आर्टिकल, नया सेक्शन, नया रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। तब जाके एंट्री नंबर 92 सी बनाया गया जो केवल स्पेसिफाइड था सर्विस टैक्स के लिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो 92 सी था वो किससे रिलेटेड था, सर्विस टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि ये जीएसटी आते आते एक्टिव नहीं हो पाया था। आपको पता है सर्विस टैक्स नाम का कोई चीज था नहीं, बात हो रही थी, एंट्री नंबर मिल चुका था, बस उसे एक्टिव करना था, इंप्लीमेंट करना था, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया था। तो जीएसटी आने के बाद तो सर्विस टैक्स नाम का चीज ही हट गया ना, हाँ या ना, सर्विस टैक्स नाम का चीज ही हट गया। तो देखिए अमेंडमेंट में क्या हुआ, 97 एंट्री नंबर 97 जो था जो कि मिसलिनियस टैक्सेस में था, सर्विस टैक्स नाम का चीज जो था उससे हटा दिया गया था, और इसको डिलीट करके, इसको डिलीट करके कहां ट्रांसफर कर दिया गया था, एंट्री नंबर 92 सी में, और यहां एक नाम ला दिया गया था सर, और सर्विस टैक्स एक्टिव कर दिया गया था। समझ में आ पा रहा है, एक्टिव किया जाना था इस एंट्री के तहत, लेकिन इतने में क्या हुआ ना, जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। अब जीएसटी आ गया तो इसका नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बताइए सर्विस पर स्पेसिफाइड टैक्स अलग से वसूलने की जरूरत है क्या, ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ या ना। तो ये सारे के सारे एंट्री नंबर 84 को अमेंड किया गया, एंट्री 84 को अमेंड किया गया। एंट्री 84 में क्या लिखा हुआ था, किसके बारे में लिखा हुआ था, आप देखिए एंट्री नंबर 84 में किसके बारे में था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर थे, एक्टिव थे, जो बाद में सारे के सारे चीजों को हटाकर केवल और केवल किस चीज पर एक्टिव रखा, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर, सारे के सारे आइटम्स को इसके लिस्ट से क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, यही अमेंडमेंट था। समझ में आ पाया, अमेंडमेंट समझ में आया, आ पाया। सेवन शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में क्या हुआ था, एंट्री नंबर लिस्ट वन के एंट्री नंबर 84 में जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था उसमें कौन कौन से चीज पर अभी एप्लीकेबल है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वही नाम छोड़े गए, बाकी सबको डिलीट किए गए। क्लियर हुआ। फिर आए थे 97 एंट्री नंबर 97 पर, उसमें था रेसिड्यूरी टैक्स, और उसका मतलब होता है मिसलिनियस आइटम्स के बारे में बात की गई, और मिसलिनियस आइटम में ही एक टैक्स रखा गया था, नाम था सर्विस टैक्स, ये छोटा सा था इसलिए मिसलिनियस टैक्स के नाम से लिया जाता था।
लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो सर्विस सेक्टर हुआ ना, ये बहुत बड़ा हो गया, और बहुत बड़ा होने के बाद इस पर जो टैक्स लिए जाने लग गए वो भी काफी बढ़ गए। बढ़ने के कारण से यहां पर एंट्री नंबर 92 सी बनाया गया, 92 सी बनाया गया, जिसमें स्पेसिफिकली किस पर बात की गई थी, सर्विस टैक्स पर, जो कि डिलीट कर दिया गया, वो आया ही नहीं, आ ही नहीं पाया, क्योंकि जब जीएसटी आ गया तो सर्विस टैक्स को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सारे के सारे चीजों को क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया और संशोधित करके नया लिस्ट उसको ठीक कर दिया गया। ठीक है ना, समझ में आ पाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है लिस्ट टू। कौन सा आता है, लिस्ट टू। लिस्ट टू में क्या है, लिस्ट टू किसके बारे में बताता है, स्टेट लिस्ट, यानी कि यहां पर जो टैक्सेस के बारे में बात की जाएगी वो किससे रिलेटेड होगी, कौन कलेक्ट करेगा उन टैक्सेस को, स्टेट। अच्छा, एक क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में, सर आपने बताया एंट्री नंबर 84 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ था, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में आपने बताया कि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, और दूसरा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के लिए। तो आप बताइए कि सर आपने कहा टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्टिव है, तो क्या सर अल्कोहलिक लिकर पर नहीं है, बताओ अल्कोहलिक लिकर पर है या नहीं है, नहीं है बाबू, नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि सर वहां तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी एक्टिव है ना सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उस पर कौन सा टैक्स लिया जाता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, न कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्लियर हो पाया एवरीवन, क्लियर है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी उस पर कलेक्ट किया जाता था अल्कोहलिक लिकर पर, और ये आर्टिकल 366(12)A में क्लियर कट लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अल्कोहलिक लिकर फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बीइंग पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन सा टैक्स लिया जाएगा उस पर, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, न कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, गुड। आते हैं स्टेट लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 54 देखिए, एंट्री नंबर 54 में वैट के बारे में लिखा हुआ, वैट के बारे में क्या लिखा था कि जितने भी प्रोडक्ट्स थे सभी पर वैट लिया जाता था, वैल्यू एडेड टैक्स इंप्लीमेंट था, मतलब लिया जाता था, कलेक्ट किया जाता था। क्लियर आया ना, पहले वैट तो सभी चीजों पर लिया जाता था ना, गुड्स जहां ट्रांसफर होता था क्या लिया जाता था उस पर वैट, जहां गुड्स ट्रांसफर हो गया वैट ले लिया जाता था। जीएसटी आने के बाद क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, वैट लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, क्या लिया जाता है, जीएसटी लिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया जाता है। Am I right or wrong? Am I right or wrong? याद है आप लोगों को, वेरी गुड। तो अब वैट के जगह जीएसटी लिया जाने लग गया, लेकिन आप देख सकते हो स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 54 में वैट अभी भी एक्टिव है, वैट अभी भी एक्टिव है, लेकिन क्या सारे प्रोडक्ट पर है, नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स पर है, और वो कुछ प्रोडक्ट क्या है, सेल ऑफ क्या क्या बताइए, टोबैको प्रोडक्ट पर नहीं है, टोबैको प्रोडक्ट पर नहीं है। अच्छा, यहां पर देखिए ना क्या है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर देख रहे हो ये वैट भी एक्टिव है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी एक्टिव है। समझ में आ रहा है, वैट भी लिया जाता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लिया जाता है, किस पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पांच प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था ना, कौन कौन से, क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा डीजल, तीसरा पेट्रोल, नेचुरल गैसेस और एटीएफ, एटीएफ
एविएशन टर्बाइन और इनके अलावा मैंने कहा कि वैट जो है अभी भी एक्टिव है किन किन चीजों पर, तो पहला पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट्स पर और दूसरा अल्कोहलिक लिकर पर, देख सकते हो लिखा हुआ है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहने का मतलब है कि आपको है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लिया जाता है, तो क्या क्या लिया जाता है? आपको यह पता था कि सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लिया जाता है, हाँ या ना? स्टेट एक्साइज ड्यूटी चार्ज था किस पर? अल्कोहलिक लिकर पर। प्लस अभी पता चल गया सर कि इस पर वैट भी लिया जाता है। अच्छा, अब समझ में आ पा रहा है कि जीएसटी लाने में स्टेट गवर्नमेंट को इतना प्रॉब्लम क्यों था, क्योंकि जो अल्कोहलिक लिकर पर जो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट दोनों कलेक्ट कर रहे हैं वो तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा अगर ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स उस पर लग गया, पैसा हमारा बट जाएगा और जो आधा पैसा है वो कहां चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अभी किसके पास रह जाता है पूरा का पूरा इनकम? स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर हो पाया? बहुत आसान है। अरे देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, वैट कौन चार्ज कर रहा है? वैट कौन कलेक्ट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट कहती है मुझे इस पर 10 रुपए चाहिए, कुछ गवर्नमेंट कहती है ना 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 ऐसे कैसे हम 50 रुपया लेंगे, उसका पावर है। तो जहां 50 रुपया टैक्स लग रहा है उसका अमाउंट क्या, प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कुछ कहती है कि वैट जो हम बहुत कम मिनिमम लेंगे उस पर क्या हो जाएगा? अब मान लेते हैं आपको यहां पर 100 रुपया दे दिया जाए, तो यहां का 100 रुपया और बैंगलोर के 100 रुपए का वैल्यू बराबर हो जाएगा क्या? ऐसे तो वैल्यू बराबर है, लेकिन क्या वहां का महंगाई और यहां का महंगाई मैच करता है? आप 100 रुपए में संतुष्ट हो जाओगे? वहां पर 100 रुपए में संतुष्ट नहीं होगा, वहां बोलेगा कि क्या करेंगे 100 रुपए में, चॉकलेट भी नहीं आएगा, हाँ या ना? और यहां से भी कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां 10 रुपए में लोग खुश हो जाएंगे, आज का व्यवस्था हो गया। आपका क्वेश्चन ही नहीं समझा। गुड्डे तो अलग चीज है ना, उस पर तो जीएसटी लग रहा है और सारे के सारे स्टेट में सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है वैट की, तो वैट किस पर एप्लीकेबल है? अभी भी वैट किस पर लग रहा है? तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट पर लग रहा है और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। क्लियर? क्लियर हो पाया? अब समझ में आया कि सर वैरी क्यों करता है प्राइस स्टेट टू स्टेट, वैरी क्यों करता है जबकि टैक्स का नाम तो सेम है, सारे के सारे स्टेट वैट ले रहे हैं उसमें और स्टेट एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं, लेकिन किसी स्टेट में महंगा मिलता है किसी स्टेट में सस्ता, क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, उस पर वैट कितना रेट में ले रही है और एक्साइज ड्यूटी कितने रेट में ले रही है, ये टैक्स का रेट क्या करता है उसको महंगा या सस्ता बना देता है। Is it clear everyone? आगे बढ़ जाएं। जो एंट्री नंबर 51 है आप देख पा रहे हो, एंट्री नंबर 51 में किसकी बात की गई है? यहां पर तो एंट्री नंबर 54 में किसके बारे में बात की गई थी? एंट्री 54 में किसकी बात की गई? वैट की बात की गई। किसकी बात की गई? वैट की बात की गई। और एंट्री 51 में किसकी बात की जा रही है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ पाया? और स्टेट एक्साइज ड्यूटी किस किस चीज पर लिया जाता है? केवल एक चीज पर, अल्कोहलिक लिकर। अल्कोहलिक लिकर फॉर
ह्यूमन कंजम्पशन। अब बताइए अल्कोहलिक लिकर है बट आई एम ट्रांसफरिंग दैट थिंग, आई एम प्रोवाइडिंग इट टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स कंपनी, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि वो गुड्स हो जाएगा। गुड्स का डेफिनेशन ये है कि जो भी चीज, अभी देखिए ना, गुड्स का डेफिनेशन छोड़िए, आप कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का डेफिनेशन देखिए। डायरेक्ट कंजम्पशन का अगर बात करें, डायरेक्ट कंजम्पशन के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, ह्यूमन लिकर, ये सॉरी अल्कोहलिक लिकर की बात की जा रही है, डायरेक्ट कंजम्पशन फॉर ह्यूमन, तो वहां पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये आर्टिकल 366 में मेंशन किया गया है। वहां पर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगेगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट लगेगा। लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर को दे रहे हो तो वो तो हो गया आपका गुड्स, और गुड्स पर तो जीएसटी लगता है, हाँ या ना? ना ही स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा और ना ही वैट लगेगा, वहां क्या लगेगा, क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। चलिए यहां तक आई वो समझ में आ पाया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम दे देंगे, अच्छा मैं दे दूंगा, मतलब नोट्स क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत अच्छी बात कही आप, आगे बढ़े, ऐसे नहीं कीजिए। चलिए आइए आते हम लोग वापस। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे डिसीजंस देख लिए हम लोग, बहुत सारे डिसीजंस को लेता कौन है, ये सारा का सारा डिसीजन। जैसे आप लोग अब तो बड़े हो गए, आप लोग तो अब थोड़े बड़े हो गए, अपना डिसीजन खुद लेने लग गए, लेकिन लेकिन जब आप छोटे बच्चे थे ना, आप किस स्कूल में पढ़िएगा, आप कौन से दोस्त के साथ खेलिएगा, आपको किससे बात करनी है, आपको किससे बात नहीं करनी है, ये सारी की सारी बातें डिसाइड की जाती थी किसके द्वारा, आपके मम्मी आपके पापा के द्वारा, हाँ या ना, यस और नो। लेकिन अब तो बड़े हो गए, आप समझदार हो गए हो, लेकिन अभी भी पूछना पड़ता है, बहुत अच्छी बात है, दोस्त के लिए पूछना पड़ता है। चलिए इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन लेगा कौन, कौन ऐसा इंसान है जो जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन लेगा? अब बताओ कोई इंसान है क्या, कोई जीएसटी, हाँ जीएसटी काउंसिल है, इंसान नहीं, जीएसटी काउंसिल है, ऐसा काउंसिल है, आर्टिकल में लिखा गया, अभी हम क्लियर करेंगे, बस इतना समझिए, जीएसटी काउंसिल एक ऐसा चीज है जो जीएसटी से रिलेटेड छोटी सी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है और उस पर डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, क्लियर? वो कहेगा ए जीएसटी वहां जाओ, वो वहां जाएगा, ए जीएसटी इधर आओ, वो इधर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सारा का सारा चीज जो है ना जीएसटी से रिलेटेड डिसाइड करता है कौन, जीएसटी काउंसिल। और आज जीएसटी काउंसिल को पढ़ के ऑलमोस्ट इस चैप्टर को क्या कर देंगे, अभी देखिए आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडिया, आर्टिकल आर्टिकल 279A, इस आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया, जीएसटी काउंसिल के बारे में। मैंने आपको कहा था ना कि अगर छोटी से छोटी बात की छोटी से छोटी बातों को देखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन में अभी टैक्सेशन की बात की जा रही है, ध्यान से समझिएगा, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी अमेंडमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो एक्ट पास करना होगा, एक्ट कहां पास करना पड़ेगा हम लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा तो वो कहां लिखा जाएगा, आर्टिकल्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, हाँ या ना? तो आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल के बारे में बताया गया,
और उसमें ये कहा गया है कि जीएसटी से रिलेटेड सारी की सारी डिसीजंस जो होंगी वो किसके द्वारा ली जाएंगी, जीएसटी काउंसिल के। अब बोलिए सर किस किस तरह का डिसीजन, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए यहां पर स्क्रीन में लिखा है, अच्छा जीएसटी काउंसिल जो होगा, अभी देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। जीएसटी काउंसिल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच कंस्टिट्यूट, कौन कौन से लोगों को रखेगा, कौन कौन से लोग रहेंगे उसके मेंबर। तो सबसे पहला आप देखिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूएफएम का मतलब हो गया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। क्लियर है, कौन रहेगा इसका चेयरमैन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो बता सकता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है फाइनेंस में? श्रीमती निर्मला सीतारमण। क्लियर है, समझ में आ पाया? तो सीतारमण जी अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वही जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन। क्लियर, समझ में आ पाया? तो कौन रहेगा जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन, चेयरमैन रहेगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उस समय जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा वही चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल रहेगा। याद रहेगा आप लोगों को, ये पहला मेंबर हो गया। ये कितने रहते हैं, एक ही रहते हैं ना नेशन में, एक ही फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा कि चार पांच रहेंगे? तो ये एक मेंबर जो है जीएसटी काउंसिल का एक मेंबर हो गया। क्लियर, जीएसटी काउंसिल का पहला मेंबर हो गया चेयरमैन। दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ और फाइनेंस एज मेंबर ऑफ द काउंसिल। अभी देखिए ना मेंबर, दूसरा मेंबर कौन होगा? तो जैसे अभी मैंने कहा कि आप लोग सारे के सारे स्टेट हैं और सारे के सारे स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर आप लोग भी मेंबर रहिएगा, सभी स्टेट के भी कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव होंगे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो जीएसटी के मेंबर रहेंगे, जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे, हाँ या ना? उनका भी एक लीडर रहेगा जो सेंट्रल लेवल पे काम करेगा। नहीं समझ पाए? सारे स्टेट हैं, सारे स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर रहेंगे और सारे स्टेट के मेंबर्स का जो लीडर होगा वो यूनियन मेंबर होगा, सेंट्रल लेवल पर मेंबर होगा। जैसे आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप लोग जाते हो, आते हो हमारे पास, हमें अगर कोई परेशानी हो या आप लोगों के परेशानी को रिप्रेजेंट करेगा कौन? मैं करूंगा। और कहां करेंगे? तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर सर। हाँ या ना? आपके इश्यूज को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैं। और मैं अपने हेड मेंबर को करूंगा, मेरे जो हेड मेंबर है वो अपने हेड मेंबर को करेंगे। अकॉर्डिंगली स्केलर चेन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो कहने का मतलब है कि जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहला तो चेयरमैन चेयरपर्सन होता है, चेयरपर्सन। उसमें कौन रहते हैं चेयरपर्सन? कौन रहेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो उस समय रहेंगे वही चेयरपर्सन रहेंगे। दूसरा, सारे स्टेट के एग्जीक्यूटर्स के लीडर को कहते हैं यहां पर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज। सारा स्टेट कैसे काम कर रहा है, सारे स्टेट को इंस्ट्रक्ट करना है तो यही करेंगे। क्लियर है? सारे स्टेट के लीडर इंचार्ज को यहां पर रखा गया और वो एक ही रहता है जो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। अरे अभी आगे, अभी ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आगे मिल जाएगा, आगे एकदम क्लियर हो जाएगा। रूलिंग पार्टी या फिर ये जीएसटी काउंसिल पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं है ना, तो यहाँ रूलिंग पार्टी और ओपोनेंट पार्टी की बात ही नहीं होगी, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है। तो जीएसटी रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे स्टेट्स के, उस
का जो लीडर होगा, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा, वो होगा यूनियन मेंबर ऑफ स्टेट इंचार्ज। समझ में आ गया, क्लियर हुआ? तो यहां पर वो कितना पर्सन रहेगा, एक ही रहेगा, सेकंड नंबर पे भी एक। और आपको पता है कि सारे के सारे स्टेट जीएसटी से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, तो सारे स्टेट के पास जीएसटी काउंसिल का एक मेंबर तो होगा ही होगा, हाँ या ना, जो जीएसटी काउंसिल के मीटिंग्स को अटेंड करेगा और टैक्स रेट या फिर कोई भी बात को होगा, कोई भी मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए जाएगा, हाँ या ना। स्टेट के पास भी अपना एक लीडर होता है जो जीएसटी काउंसिल का मेंबर होता है। उन जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स के भी लीडर होते हैं जो यूनियन मिनिस्टर, देखिए ना यहां पर लिखा सेकंड, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, स्टेट इंचार्जेस के भी यूनियन मिनिस्टर होते हैं, और भी ऊपर होता है एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल होता है। अब आप बताइए कितने स्टेट हैं, स्टेट कितने बहुत सोच समझ के बताइएगा, मैं जीएसटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो स्टेट कितने, 31, मतलब 28 स्टेट प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज विच हैज ओन लेजिस्लेचर, भूल गया आएगा। और ये अगर आ गया कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एज पर जीएसटी एक्ट, तो आपको लिखना है 31, कौन कौन से, तो 28 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। क्लियर हो पा रहा है रूलिंग पार्टी और ये अलग चीज, जीएसटी काउंसिल जो है ना वो पॉलिटिक्स रूलिंग पार्टी या ओपोनेंट पार्टी कोई भी हो सकता है, वो सेलेक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, जीएसटी का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो जरूरी नहीं है कि वो रूलिंग पार्टी, आपको क्या लग रहा है कि ओपोनेंट पार्टी के कोई भी मेंबर कोई भी मिनिस्ट्री में नहीं होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है, हो सकता है आप जो कह रहे हो वो सही है, हो सकता है ज्यादातर चांसेस उसी के हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि रूलिंग पार्टी के ही हो। क्लियर, बस इंचार्ज होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा जो सारे स्टेट्स के इंचार्ज का हेड। क्लियर, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है। क्लियर, लास्ट में मैंने आपको बताया कि देर आर 31 स्टेट्स एज पर जीएसटी एक्ट, और 31 स्टेट्स के सभी स्टेट क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे, हाँ या ना, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, तो उसके भी मेंबर और सभी स्टेट के मेंबर होंगे, एक एक मेंबर होंगे, तो 31 स्टेट, तो टोटल कितने मेंबर्स, 31 मेंबर्स, हाँ या ना, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल कितने मेंबर्स हो गए जीएसटी काउंसिल के, 31 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 33 मेंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 33 members of GST council are there, कितने, 33 GST council के हैं, article 279 के तहत, 279A के तहत लिखा गया है GST council के बारे में कि एक ऐसा council, एक ऐसा organization है जो court deal करेगा, जो किससे related है, डिसीजंस को लेगा जीएसटी से रिलेटेड, और इसके कितने मेंबर्स, टोटल 33, एक होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, तीसरा होता है 31 मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इंचार्ज, 31 स्टेट्स के इंचार्ज जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और वो कौन होंगे, तो ज्यादातर चांस कौन होगा बताओ, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए, तो बताइए, ज्यादातर चांस है कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा,
नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के कोई मेंबर होंगे और स्टेट गवर्नमेंट में कौन रहेगा? आपको पता है सारे स्टेट के पास अपना अपना फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ज्यादातर चांस होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे या मेंबर होंगे जीएसटी काउंसिल। हाँ, ज्यादातर चांसेस। क्लियर? अब समझ में आ गया, मैंने कहा आगे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी। सेकेंड आता है स्कोप ऑफ जीएसटी काउंसिल, स्कोप ऑफ द वर्क ऑफ जीएसटी काउंसिल। क्या क्या काम करता है जीएसटी काउंसिल? काम क्या क्या है जीएसटी काउंसिल? नाम का एक चीज तो बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ ना कुछ तो करता है। क्या करता है वो, किस किस तरह का काम करता है, हम लोग देखते हैं। प्रीवियस सारे लेक्चर्स को मर्ज करके ये लेक्चर बनेगा, आप देख लीजिएगा। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस को अभी तक पढ़े हैं, सारा का सारा पॉइंट यहां आ जाएगा। और अगर हाँ, अगर आप जीएसटी से रिलेटेड सारे फंक्शंस पे क्लियर नहीं है तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप सारे के सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से रिकॉल कर लीजिए एक बार। तो देखिए पहला क्या आता है, द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। पहला, द टैक्स सेस एंड सरचार्ज लेविड बाय द सेंटर एंड स्टेट आर लोकल बॉडीज एंड द लोकल बॉडीज विच मे बी सबसम्ड अंडर जीएसटी। मतलब कि आपको यहां पर बताया गया जितने भी सरचार्ज हैं, जितने भी सरचार्ज हैं, जितने भी सेस हैं, जितने भी सेंट्रल और स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं, उसको कौन डिसाइड करेगा कि कौन कौन से टैक्सेस को, कौन कौन से सरचार्जेस को, कौन कौन से सेस को मर्ज कर देना है जीएसटी में, कौन डिसाइड किया? जीएसटी काउंसिल। समझ में आ गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, द गुड्स एंड सर्विस दैट मे बी सब्जेक्टेड और एग्जम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी। कौन कौन से टैक्स ऐसे रहेंगे जिसको इंक्लूड किया जाएगा और कौन कौन से टैक्सेस ऐसे होंगे जिसको इंक्लूड जीएसटी में नहीं किया जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना इसके पहले ही कि कौन कौन से ऐसे स्टेट टैक्सेस हैं, कौन कौन से ऐसे सेंट्रल टैक्सेस हैं जिसे जीएसटी में सबसम किया गया है, और कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो स्टेट लेवल पे हैं और सेंट्रल लेवल पे हैं उसे जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया, ये डिसाइड करने वाला कौन है? जीएसटी काउंसिल। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर हो पा रहा है क्या? हो पा रहा है? आगे बढ़े हम लोग। तीसरा है, द डेट ऑन विच द जीएसटी शॉल बी लेविड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैसेस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। What does it mean? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको बता रहा है कुछ। क्या बता रहा है आप देखिए, समझिएगा। यहां पांच छह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, नाम लिखा गया ना। कहा जा रहा है कि इस पर भी क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन कब होगा ये डेट कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। अब क्लियर हो पाया क्या बोला गया नेक्स्ट पॉइंट में? तो जो डेट है कब जीएसटी इंप्लीमेंट होगा पेट्रोलियम पर, डीजल पर, पेट्रोलियम में आ जाता है ना, डीजल आ जाता है, क्रूड ऑयल हो जाता है, पेट्रोल हो जाता है, एविएशन टर्बाइन हो जाता है और नेचुरल गैसेस भी आते हैं। पेट्रोलियम पर किस दिन जीएसटी चार्ज होगा ये डिसाइड कौन करेगा? कहने का मतलब है कि इस पर टैक्स आना है, जीएसटी आना है, ये डिसाइडेड है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, कब होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये जीएसटी काउंसिल करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट ऑफ आई जीएसटी
एंड द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत ध्यान से समझिएगा क्या यहां पर बोला गया, प्रिंसिपल्स और अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है विभाजन, कौन कौन से स्टेट। अभी जैसे आपको याद होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, याद है आप लोगों को इंटरस्टेट इंट्रास्टेट। अगर हम विद इन द स्टेट की बात करें, अगर हम विद इन द स्टेट की बात करें तो ये कौन सा सप्लाई है, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? इंट्रा स्टेट। विद इन द स्टेट बोला जा रहा है तो ये कौन सा इंट्रा स्टेट और बियॉन्ड, या फिर आप कह सकते हैं इन बिटवीन in between two different states. Interstate. Interstate. तो ये जो डिसाइड करेगा कैसे जीएसटी लिया जाए, और आपको पता है इंट्रा स्टेट में कौन कौन से जीएसटी एप्लीकेबल हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर स्टेट में कौन कौन से जीएसटी एप्लीकेबल हैं, आईजीएसटी, देयर इज ओनली वन जीएसटी। क्लियर, समझ में आया? तो आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी कहां कहां कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा, ये विभाजित कौन करेगा या अपोर्शनमेंट कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल। समझ में आया? समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं यहां पर और नेक्स्ट पॉइंट क्या है। द थ्रेशोल्ड लिमिट और टर्नओवर बिलो विच द गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। आपको मैंने बताया था एग्जम्प्ट सप्लाई और थ्रेशोल्ड लिमिट, हाँ या ना? मैंने आपको क्लियर किया एग्जम्प्ट सप्लाई और थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट में अलग अलग स्टेट अलग अलग लिमिट बना के रखा है। जैसे आपको मैंने बताया था थ्रेशोल्ड लिमिट में कि कितने लिमिट्स हैं, तीन लिमिट, कौन कौन से, 10 लाख, 20 लाख एंड मैक्सिमम 40 लाख। सारे स्टेट को ये कहा गया है, ये जीएसटी काउंसिल ने क्लियर कर दिया है कि आप मैक्सिमम 40 लाख तक का थ्रेशोल्ड लिमिट बना सकते हैं। आप मैक्सिमम 40 लाख तक का एक्सक्लूसिव गुड्स पर मैक्सिमम 40 लाख तक का आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट बना सकते हैं। अब स्टेट के ऊपर छोड़ दिए है कि आप अपने स्टेट में कितना तक का लिमिट बनाना चाहते हैं, 10 लाख तक का कि 20 लाख तक का कि 40 लाख तक का। तो ये अलग अलग स्टेट जो है ना अपना अलग अलग लेवल बना कर रखिए, अलग अलग लेवल पर ये डिसाइड करके रखिए कि 10 लाख तक के बिजनेसमैन का हम टैक्स माफ करते हैं, नहीं लेंगे। दूसरा, कुछ स्टेट्स ने कहा है कि मैं 20 लाख तक के हाँ बिजनेसमैन को सपोर्ट करने के लिए कि बिजनेस हमारे कंट्री में क्या हो सके, प्रमोट हो सके, वेरी गुड। तो प्रमोशन के लिए ये चीज छोड़ दिया गया, थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं इसको। मैक्सिमम 40 लाख है, स्टेट चाहे तो 40 लाख तक का थ्रेशोल्ड लिमिट बना सकती है। क्लियर है? तो ये डिसाइड किया किसने और ये डिसीजन लेने का काम किसका है, जीएसटी काउंसिल। क्लियर है? आगे बढ़े। द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट विद बैंड्स ऑफ जीएसटी। समझिएगा बात को, यहां दो चीज बोला गया, फ्लोर रेट और बैंड्स। फ्लोर रेट और बैंड्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है ये चीज, फिर भी एक बार आप सुन लीजिए। फ्लोर रेट मतलब स्टैंडर्ड रेट, क्या माना जाता है जीएसटी का स्टैंडर्ड रेट, 18% और जो दूसरा आया प्रॉब्लमेटिक क्या है, बैंड्स, बैंड्स ऑफ द जीएसटी। इसका क्या है,
मैंने आपको कहा था सारे के सारे स्टेट को, सारे के सारे स्टेट को यह अथॉरिटी दिया गया है कि आप या तो 2% इंक्रीज कर सकते हैं जीएसटी रेट में या 2% डिक्रीज कर सकते हैं, ऐसा लिबर्टी दिया गया है। ये पावर किसके द्वारा दिया गया है? जीएसटी काउंसिल के द्वारा। किसे दिया गया है? स्टेट को दिया गया है कि आप या तो 2% इंक्रीज कर सकते हैं या 2% डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है बात? हाँ या ना? अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब है कि जब सीजीएसटी और एसजीएसटी जा रहा है, चार्ज हो रहा है, तो यहां एसजीएसटी का रेट स्टेट क्या कर सकता है? डिफरेंट कर सकता है। मान लेते हैं कि 9% है, ये मान लिया जाता है कि रेट क्या है 9% है, तो 9% में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 2% या तो ऐड कर सकती है या 2% माइनस कर सकती है, और या तो उसे 11% चार्ज कर सकती है या 7% चार्ज कर सकती है। लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। मैंने ये भी कहा था पावर तो दे दिया गया लेकिन कहा जाता है ये यूज मत कीजिएगा। जैसे आप लोग पहले के जमाने का आप लोग देखे होंगे धारावाहिक महाभारत, महाभारत में क्या होता था, बहुत सारे ऐसे योद्धा होते थे जिसके पास ब्रह्मास्त्र होता था, ब्रह्मदेव आए और आशीर्वाद देते कि वत्स जाओ तुम्हें मैं ब्रह्मास्त्र प्रदान करता हूं। लेकिन ध्यान रहे इसे यूज मत करना, बिना काम का इसे यूज मत करना। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाए तो यूज कर लेना लेकिन ऐसे यूज मत करना, नहीं तो पूरे सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा। तो यही चीज यहां भी जीएसटी काउंसिल भी कह रही है ब्रह्मदेव की तरह, वत्स मैं तुम्हें लिबर्टी देता हूं कि 2% या तो आप इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन करना मत। क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना? कोई बता सकते क्यों नहीं करना? क्योंकि सर आपने ही बताया था स्टार्टिंग में कि जीएसटी लाने का मोटो था वन नेशन वन टैक्स। अगर स्टेट वाइज अगर आप चेंज कर देते हो तो ये मोटो फुलफिल हुआ क्या? कहीं आप 7% ले रहे हैं, कहीं 9% ले रहे हैं, कहीं 11% ले रहे हैं, तो क्या वन नेशन वन टैक्स का मोटो फुलफिल हो पाया? समझ में आ पाया? क्लियर हो पाया? तो ये बैंड रेट और फ्लोर रेट कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एनी स्पेशल रेट्स और रेट फॉर स्पेशलाइज्ड पीरियड टू रेज additional resources during any natural calamities or disasters। इसका मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट जो हमने देखा अभी, इसका मतलब क्या हुआ? बात समझिए, फिर से सुनिएगा, क्या है a special rate or rates for a special specified period to raise additional resources during एनी नेचुरल कैलामिटीज और डिजास्टर्स। जैसे देखिए आप लोग जानते हो नेचुरल डिजास्टर्स आने से, नेचुरल कैलामिटीज आने से बहुत नुकसान हो जाता है इकोनॉमी को, बहुत नुकसान हो गया। मान लेते हैं भूकंप आ गया, मान लेते हैं फ्लड आ गया, बाढ़ मान लेते हैं, ड्रॉट आ गया, तो इससे क्या होता है ना इकोनॉमी को हैवी लॉस होता है। क्या होता है? हैवी लॉस। और इकोनॉमी इस हैवी लॉस को कंपनसेट करे तो करेगी, इस हैवी लॉस को कंपनसेट करे तो करे कैसे? अगर ये बात कही जाती है तो जीएसटी काउंसिल के पास आग्रह लेकर जाता है स्टेट या फिर कोई भी इकोनॉमी। क्या आग्रह लेकर जाता है कि सुनिए ना, मैं जो हूं अपने स्टेट के इकोनॉमिक लॉस को बियर करना चाहता हूं, कंपनसेट करना चाहता हूं, मैं जीएसटी कुछ सेम गुड्स और कुछ लग्जरियस गुड्स पर एडिशनल चार्ज करना चाहता हूं, जैसे सिगरेट्स टोबैको पर ज्यादा से ज्यादा जीएसटी चार्ज कर देंगे तो इनकम क्या हो जाएगा? टैक्स के रूप में बढ़ जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? और टैक्स के रूप में जब इनकम बढ़ गया तो उससे हम क्या कर लेंगे? अपने लॉस को कंपनसेट कर लेंगे।
जैसे एक बार की कहानी आपको मैं बता दूं, केरल में आया था ये चीज, फ्लड आया था। तो केरल के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने कहा जीएसटी काउंसिल से कि एक बात सुनिए ना, हम लोग सिगरेट्स पर ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं, जीएसटी चार्ज करना चाहते हैं। अब जीएसटी चार्ज करना चाहते हैं, जीएसटी काउंसिल ने कहा जाओ बस तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो और आप चार्ज करो जाओ। अब उन्होंने 4-5 साल तक जीएसटी सिगरेट्स पर खूब दबा के लिया, बढ़ा दिया रेट, और उससे क्या हुआ, उससे अपने इकोनॉमिक लॉस को कंपनसेट कर लिया। क्लियर हो पाया? सही है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। व्हाट डज इट मीन? यहां पर लिखा गया है स्पेशल प्रोविजन है, किसके लिए स्पेशल प्रोविजन है? स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यहां देखिए ना लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, व्हाट एवर द स्टेट्स आर मेंशन, उनके लिए, उत्तराखंड के लिए स्पेशल रेट है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में आते हैं। स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल रेट नहीं, स्पेशल प्रोविजन, वो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में आते हैं। तो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, हेल्प करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस। इज इट क्लियर? समझ में आ पाया? और ये स्पेशल प्रोविजन बनाएगा कौन? ये स्पेशल प्रोविजन बनाएगा कौन? जीएसटी काउंसिल। समझ में आ रहा है कौन कौन से वर्क जो है जीएसटी काउंसिल के हैं? नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखिए आप, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड, और कोई भी तरह के और किसी भी तरह के डिसीजंस को लेने की बात आएगी तो जीएसटी काउंसिल एक्टिव रहेगा और वही डिसाइड करेगा कि क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है डिसीजंस ऑफ द काउंसिल, डिसीजंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। नहीं, डिसीजन पहले पढ़ेंगे उसके बाद फोरम, क्लियर है? पहले डिसीजन देख लेते हैं क्या क्या डिसीजंस हैं। पढ़िए इसको, एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी मेजॉरिटी, शैल बी बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वोट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इसे मिटाऊं, आपको ये चीज, मैंने कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन से मेंबर्स कहाँ कहाँ के, ठीक है ना? सेंट्रल लेवल के मेंबर जीएसटी काउंसिल के कितने बताइए? अब बताया सेंट्रल लेवल के मेंबर जीएसटी काउंसिल में कितने हैं? गलत, नहीं, सेंट्रल लेवल के मेंबर कितने हैं जीएसटी काउंसिल में? दो हैं, एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा यूनियन इंचार्ज ऑफ स्टेट इंचार्ज, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंचार्ज। तो आप देखिए यूनियन मिनिस्टर्स कितने हैं, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने मेंबर? सीजी के कितने मेंबर? दो, और एस 31। हाँ या ना? अब ये कहा जाता है कि जब तक ये कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वोटिंग के आधार पर लिया जाता है, और वोटिंग में जब तक 3/4, आप लोग बात कर रहे हो, जब तक 3/4 यानी 75% ऑफ वोटर्स जो हैं वो किसी डिसेवर में नहीं रहे या किसी भी डिसीजन के फेवर में 75% ये वोट नहीं मिला तो वो डिसीजन नहीं दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। यानी किसी भी डिसीजन का जो किसी भी डिसीजन का वेटेज होगा वो 75% ऑफ वोट होगा। क्लियर है? अब
अब बोलिए क्या यहां पर पार्शियलिटी हो सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने मेंबर? दो मेंबर, और 31 मेंबर अलग अलग स्टेट के, तो यहां यूनिटी तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बात करेगा। मान लेते हैं कुछ लोग के मुंह से मैंने सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना तानाशाही कर रही है और वो जो है जीएसटी जबरदस्ती लाई है, ये ऑपोनेंट्स ने कहा भी था, ठीक है। तो वो कह रही है कि तानाशाही है और ऑपोनेंट्स ने कहा कि भाई वो जबरदस्ती थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। आप बताओ जीएसटी काउंसिल के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट चाह लेगी तो वो टैक्स आ जाएगा, टैक्स का रेट आ जाएगा, ये जीएसटी थोपा जा सकता है? मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई मुझे लाना है तो लाना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर हैं सब अग्रीड है, हाँ भाई मैं आपके साथ हूं। चल कितने मेंबर? दो मेंबर, दोनों अग्रीड है। टोटल मेंबर कितने? 33। आप बताइए दोनों अग्री रहेंगे भी तो भी क्या 75% का वोट हुआ? नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो रूलिंग पार्टी है वही थोपना चाहती है जीएसटी? अब तो ये बात हो गई स्टेट गवर्नमेंट में जिसका मेजोरिटी है, लेकिन सभी जगह यहां पर कहने का मतलब है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सहमति से ऐसा होता है, ठीक है। अगर 75% ऑफ वोट किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में जाता है वो डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा, नहीं जाता है इंप्लीमेंट नहीं होगा, चाहे जो करो। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां पर ये तो हो गया पहला कंडीशन, किसी भी डिसीजन से रिलेटेड कितना वोट होना चाहिए? 75% मिनिमम। मिनिमम कितना? 75%। आगे और पढ़िए क्या है। गवर्नमेंट शैल हैव वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द वोट वोट कास्ट एंड वोट ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स। थोड़ा समझिएगा इस चीज को। सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज कितना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कम से कम 1/3 होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 होना चाहिए। 2/3 ही ना? हाँ 2/3 होना चाहिए। मैं नीचे वाला मिटाता हूं, कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। और जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में उस समय जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उन्हीं के वोट को माना जाएगा मान्य, एप्लीकेबल होगा, वोट को एप्लीकेबल नहीं किया माना नहीं जाएगा, कोई अथॉरिटी नहीं है उनका। अगर जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में एब्सेंट हैं तो वोट नहीं कर सकते हैं। और वोटिंग का जो टोटल रेट होगा, जो ये रेट डिसाइडेड है ना, वो डिसाइड किया जाएगा प्रेजेंट एंड जो वोट कर रहा उनका, जो प्रेजेंट है लोग प्रेजेंट है 31 में से 25 प्रेजेंट है तो 25 के वोट ही मान्य होंगे और बाकी जो एब्सेंट है उनके वोट मान्य नहीं होंगे। क्लियर हो? हाँ 31 नहीं, अगर 25 प्रेजेंट हैं तो 25 में से जो 75। क्लियर हो गया? तो अभी देखिए यहां पर मान लेते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल से समझो, स्टेट गवर्नमेंट के कुल कितने मेंबर? स्टेट गवर्नमेंट के कुल कितने मेंबर? ये आप रखिएगा दिमाग में, ये किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है और ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, याद रखिएगा। कैलकुलेट कैसे होता है? स्टेट गवर्नमेंट के कितने मेंबर? 31 मेंबर। कितने मेंबर? 31 मेंबर। लेट सपोज इसमें से 20 मेंबर्स प्रेजेंट है, कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं? 31, या चलिए ना 25 करते हैं, 25 मेंबर्स प्रेजेंट। सर आप जो वो दो बताए हैं वो अच्छा सर जीएसटी का तो मेंबर, और वो तो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स का बात किया गया था,
और जीएसटी काउंसिल के मेंबर में देख वोटिंग की बात की जा रही है तो 75% ओवरऑल वोट रहेगा किसी एक डिसीजन के फेवर में तो ही उसको मान्य होगा, तो ही वो इंप्लीमेंट होगा, अदरवाइज इंप्लीमेंट नहीं होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट वोट में कितना रहना चाहिए, 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज कितना है, 2/3। समझ में आया? अब मान लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट के 31 मेंबर्स में से कितने प्रेजेंट हैं, 25, और 25 मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं वो वोट कर रहे हैं किसके लिए, मतलब 31 मेंबर्स में से 25 मेंबर जो है एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए वोट कर रहे हैं। कितने मेंबर्स वोट कर रहे हैं, 25। आप इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा, 0.80, ठीक है ना, 0.80। अब दूसरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो आपने कहा ही कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग अगर नहीं मानेंगे तो वो डिसीजन और वोटिंग में आएगा कैसे, जीएसटी काउंसिल के सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स नहीं मानेंगे इस बात को, फेवर में नहीं रहेंगे, तो जीएसटी काउंसिल में वो वोटिंग के कैटेगरी में आएगा कैसे। तो मान लेते हैं कि दो में से दो लोग प्रेजेंट हैं तो इनका वैल्यू कितना हो गया, 1, और वेटेज कितना था सेंट्रल गवर्नमेंट का, 1/3, और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3। हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहां पर सीजी प्लस एसजी होना चाहिए, हाँ या ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने कितना कितने मेंबर्स माने हैं, 0.80, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के 0.80 इनटू, आप बताइए स्टेट गवर्नमेंट का वेटेज कितना है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का वेटेज कितना है, 1/3, और माने कितने हैं, 1%, मतलब 1, तो 1 इनटू 1/3। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, मतलब ये पूरा इसका वैल्यू निकाल दीजिए, इसका ये चीज ना, आप ओवरऑल बताइए ना, हाँ ओवरऑल, इन दोनों को पहले इसको निकालिएगा, फिर इसका अलग निकालिएगा, और इन दोनों को ऐड कीजिएगा बोर्ड मास, इसका वैल्यू बताइए जल्दी, 5.66 आ गया। वही मैंने सोचा कि एक से ज्यादा ये क्रॉस कैसे कर गया, 0.89 आया, यानी कि अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, ये कट गया, 100 100 कट गया, कितने परसेंट, 89% डिसीजन के फेवर में कितना है, 89%। डिसीजन लिया जाएगा, डिसीजन पास होगा या नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये 89% है और मिनिमम क्राइटेरिया कितना है, 75%, 75% से ज्यादा हो गया तो ये एप्लीकेबल होगा, इसके फेवर में डिसीजन लिया जाएगा, हाँ या ना, बात समझ में आ पाया। आगे बढ़े हम लोग, आगे लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कोरम ऑफ मीटिंग, कोरम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कब हो, सिंपल मैं आपको समझा देता हूं, टोटल कितने मेंबर, टोटल कितने मेंबर, 33, टोटल कितने मेंबर, 33, 33 में से अगर आधा मेंबर आ जाता है, अब 33 का आधा निकाल दीजिएगा तो कितना आएगा, 16.5, आप बताइए 16.5 इंसान आ सकता है क्या, 17 मान लेंगे, तो कम से कम 17 लोग आएंगे तो ही मीटिंग होगा, 17 लोग अगर नहीं पहुंचे किसी मीटिंग में तो मीटिंग रद्द कर की जाएगी और पोस्टपोन कर दी जाएगी, समझ में आ पाया।
these were all the informations about GST Council. I hope यहाँ तक आपको समझ में आ पाया होगा. आगे के क्लासेस में हम लोगों को और भी बातें जाननी है जीएसटी से रिलेटेड. आज के लिए इतना ही. अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो जरूर क्वेश्चन पूछकर क्लियर कीजिए. थैंक यू.